गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए कितना प्यारा सा क्योट है। धरती की सुंदरता जंगल है। तो आज आप देख सकते हैं सीकर के अंदर आज 3 तारीख है, वोटिंग के रिजल्ट्स चल रहे हैं अभी, मतगणना चल रही है। और ये शांति आप देख सकते हो, ओस बहुत तगड़ी जमी हुई है। और इस ओस की वजह से क्या होता है, देखिए आप, जैसे अभी वैसे रात का टेम्परेचर आज अखबार में आया 9.5 डिग्री है। ये देखिए हमारा प्यारा सुंदर न्यारा स्मृति वन का जो गार्डन है, बहुत ही सुंदर। देखिए आप चलते रहिए, सुंदरता आप देखें आप। इस सुंदरता के बीच में आने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपके जो गार्डन्स वगैरह है इनको तैयार करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है, तब जाके गार्डन्स तैयार होते हैं। ऐसे थोड़ी होते हैं। अब देखिए जब फिर इसके गार्डन तैयार, जब बच्चे खेलते हैं, ये देखिए आपने भी खेला होगा इस तरीके से। अरे वाह यार, क्या नाम था, मैं तो नाम ही भूल गया तेरा। नमन को देखो आप, अमन। ये देखिए, अगर किसी ने बचपन में इस तरह का गेम खेला है तो जरूर इसको लाइक करें। प्यारे प्यारे, ये वेरी गुड। इसको क्या कहते हैं यार, इसको किस किस तरीके से होता है ये घोड़ा सवारी का मतलब, इसमें कैसे, कौन घोड़ा बनता है और सवार कौन बनता है, ये कैसे डिसाइड होता है? एक कोई बड़ा घोड़ा बन जाता है, छोटा बैठ जाता है। नहीं, हम तो क्या छोटे थे ना, जब वो कहते थे यार बाटा पिटावनी गेम होता था एक, जानते हो? वो बाटा बगा के, हाँ बाटा बगा के मारते थे और फिर उसके लग जाती थी तो उसके डिस्टेंस तक उसको मतलब घोड़ा और सवार बन के चलना पड़ता था। ऐसा गेम भी खेला है क्या? हाँ। तो आजकल नहीं खेलते हो क्या ऐसा गेम? आजकल हॉस्टल में आ गए। अच्छा, आजकल हॉस्टल में आ गए क्या? चलो ऐसा कहीं लग जाए तो बाद में सर डांटे। अच्छा सर जी, हमारे नोबल हॉस्टल के जो बच्चे हैं प्यारे प्यारे, वापिस हमें मिल गए हैं। और देखिए, जो जैसे बचपन में बहुत सारे लोग होते थे ना यार खेलने के लिए, घूमने के लिए, ग्राउंड वगैरह तो हमें नहीं मिलता था, हमें तो मिलता था लेकिन आजकल शहरी बच्चों को नहीं मिलता। पर इसका ऑप्शन है एक, ये देखिए जो बच्चे 8-10 बच्चे ज्यादा, कितने बच्चे हो बेटा तुम लोग टोटल? 15 बच्चे हैं देखिए आप। और सब जब मिलके खेलते हैं तो उनका बड़ा अच्छा डेवलपमेंट होता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि एक दूसरे के विचारों को भी जानते हैं, एक दूसरे के घर पे जो परंपराएं हैं उनको भी जानते हैं। और देखिए किसी को फिर बच्चों को याद भी नहीं आती है ऐसा कि भाई मम्मी की पापा की याद नहीं आती है, और सारे बच्चे इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं हमारे। तो आखिरकार हम उस ग्राउंड में पहुंच गए हैं जहां हमारे को प्यारे प्यारे बच्चे मिले थे। बेटा ये क्या कबड्डी का बना रखा है क्या आज? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत ही देखिए ओबीडियंट बच्चे हैं और बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में ये देखो बच्चे प्यारे प्यारे बात करते। आज हम इनका सबका इंटरव्यू लेंगे एक एक करके। ये अभी इसका क्या नाम है बेटा, सब पहले नाम बताओ अपना। हैप्पी। आपका? अमन। आगे चल के बताओ। मानेंद्र। वीरेंद्र। जितेंद्र। जयवीर। समरपाल सिंह। वीरम सिंह। जयवीर सिंह राठौर। मानेंद्र सिंह। लक्ष्यराज सिंह। युवराज सिंह। से कहो सतवीर सिंह। आदित्य सिंह। वेरी गुड बेटा, ये बहुत प्यारे होनार हमारे देश के युवा हैं, नन्हे नन्हे शिशु है। और देखिए इनके बच्चे कहाँ खुश होते हैं बेटा, घर पे खुश होते हैं बाहर खुश होते हैं? बाहर खुश होते हैं ना, हॉस्टल में होते हैं। अरे वाह यार, हॉस्टल के अलावा और कहाँ कहाँ खुश होते हैं? स्कूल में? हाँ। स्कूल में भी खुश होते हैं। चलो आज कौन सा गेम खेला आप लोगों ने? कबड्डी। अच्छा एक गेम वो आपको आता है कि जंपिंग वाला, जैसे कबड्डी खेली, जंपिंग कौन सा जिसमें एक बच्चा नीचे झुक जाता है फिर उसके ऊपर से भाग के दौड़ के लगाते हैं वो जंप? खेला वो गेम? उससे अपन कौन सी चीज इंप्रूव होती है? हाई जंप। डायरेक्शन घुमा दिए बच्चों की। और देखिए अब हम इनसे पूछते हैं कि भाई जो इसका जो समय कैसे निकलता बच्चों का, और जैसे संडे को आते हो बेटा या पूरे डेली आते हो आप यहाँ घूमने? संडे को अलाउ रहता है। चलो अब एक एक करके आप बताओ कि आप क्या बनना चाहते हो। इधर से चालू करो। फौजी बनना चाहते? आर्मी। आर्मी वेरी गुड। आर्मी वेरी गुड। अफसर। वेरी गुड। लेफ्टिनेंट कर्नल। अरे वाह। आर्मी और नेवी जाएंगे? नेवी। वेरी गुड। एयरफोर्स। वेरी गुड। बीएसएफ। वेरी गुड। बीएसएफ। वेरी गुड। तो देखिए सभी बच्चों का जो है इनका एम और ध्येय है कि भाई ये बहुत आगे जाके आर्मी के ऑफिसर बने। कोई नेवी में जाना चाहता, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है। अच्छा बेटा इसके लिए आप क्या क्या बच्चों को करना चाहिए ताकि वो लोग ये आसानी से ये इसको अपने एम को पा सके, है ना? एक एक करके आप बताओ, है ना? तैयारी करने से, पढ़ाई करने से। अच्छा, और दौड़ भी करनी चाहिए, और पढ़ाई भी करनी चाहिए, और तैयारी भी करनी चाहिए। वेरी गुड। तैयारी भी करनी चाहिए। अच्छा एक कोई मेडिकल का भी होता है सिस्टम, आपको पता है इस चीज का? हाँ सर। तो मेडिकल में फिट करने के लिए आप बताओ। चलो मेडिकली जैसे फिट होना है किसी को तो क्या क्या चीजें उसको ध्यान रखनी होती है, आपको बताया जाता है? हाँ, उसे कसरत करनी चाहिए टाइम टू टाइम, सुबह रनिंग करनी चाहिए। अच्छा वेरी गुड। और इसके अलावा जैसे कोई आप बताओ, आप
डिसिप्लिन का मतलब नाम सुना आपने डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बेटा? आप चलो कोई नहीं बताओ आराम से आराम। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? जैसे अनुशासन जिसको कहते हैं ना, जिसको भूल गया भैया। चलो कोई आप में से और कोई बताना चाहे माइक ले जाओ। हाँ, अनुशासन से रहना कि पूरी सफाई गंदगी ना रखना। अच्छा, और साफ खुद साफ सुथरा रखना, अपनी लाइफ को सही रखना। अच्छा, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा बेटा अनुशासन के बारे में? चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ आपकी भाई, अब फिटनेस के लिए या स्वस्थ रहने के लिए अपने को क्या क्या कर, अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं? एक सोने उठने का कुछ आपको बताया जाता है कि भाई अपने को कितनी बजे उठना चाहिए? कितने? चार। एक 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 बताओ, कोई भी एक बताओ, जिसने नहीं बताया हो ना। सुबह 4 बजे उठना चाहिए। तो सुबह 4 बजे उठने के लिए बेटा फिर सोना कितनी बजे चाहिए? शाम को 10 बजे आप लोग सो जाते हो सब के सब, और सुबह 4 बजे अपने आप नींद खुल जाती है, तुम्हें उठाना पड़ता है। उठाते हैं सर। सर उठाते क्या, एक ही बार में उठ जाते हो क्या? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो तो यार तुम्हारा टाइम टेबल तो बड़ा हेक्टिक रहता होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो आज जैसे संडे का दिन है, आज सुबह आप लोग यहाँ कितनी बजे आ गए थे बेटा? 8 बजे आ गए थे। और यहाँ पे फिर आपको कितनी देर के लिए आपको परमिशन मिलती है खेलने की? 10 बजे तक। 10 बजे तक, तो 10 तो बजने वाले हैं अब। चलो ठीक है। और जो स्टडीज जो होती है ना, स्टडीज के लिए ये तो हो गया, चलो अपने कैरियर वगैरह का। अच्छा, कोई और हॉबीज वगैरह का भी कोई आपको प्रमोशन करते हैं टीचर्स और हॉस्टल में कि भाई आपको ये शौक आपका कोई पूरा करना है गेम्स का या किसी चीज़ का, उसके लिए कोई सपोर्ट भी करता है? खाली कहते हैं भाई नहीं करो। हनी क्या नाम, नाम क्या नाम? अमन। अमन पीछे मत जा यार, तू ऐसे चुप रहा क्या बेटा? अच्छा, तुम्हें किस चीज़ का इंटरेस्ट है, किस गेम में अच्छा इंटरेस्ट है? कबड्डी में। चलो वेरी गुड। तो कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी एक साइड होते हैं। और कितने पॉइंट्स वगैरह, क्योंकि मुझे भी नहीं पता बेटा ये, क्योंकि अपने तो देसी स्टाइल में खेलते थे ना, पर अब तो इसको कहाँ कहाँ इन्वॉल्व कर लिया। ओलंपिक्स में भी आ गया क्या ये? हाँ। या एशियन गेम्स में ही है? नेशनल। तो इधर लाया माइक, ला तू बेटा। नेशनल इंटरनेशनल भी आ गया, और है ना वो खेलते हैं। अच्छा, तो इंडिया खेलते हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि भाई एक अपने एक बड़े अच्छे फौजी थे जिन्होंने यहाँ पे अभी गोल्ड मेडल जीता था, क्या आप नाम जानते हो उनका? नहीं जानते? कौन से इवेंट में जीता था, कोई किसी को पता आप में से? नहीं। चलो शूटिंग में किसने जीता आज तक, किसी ने गोल्ड मेडल जीता आपने? शूटिंग? हाँ शूटिंग, एशियन गेम्स में या ओलंपिक्स में? वो क्या बोलते हैं, हाँ वो तो जेवलिन होता है, भाले में तो उन्होंने जीता था आपने। नीरज चोपड़ा। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, इनको भी पता होना जरूरी है कि भाई अपने कौन जीता है, वरना अपना टारगेट नहीं होगा तो अपन कैसे इसके लिए तैयारी करेंगे। और शूटिंग के लिए किसने किया, शूटिंग जानते हो, राइफल शूटिंग वगैरह? शूटिंग वगैरह तो यार तुम्हारे तो तुम्हारे तो घर में होगी यार, सबके गन नहीं है क्या? तो शूटिंग के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं ऐसा कि भाई किसने जीता था? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम सुना आपने? किसने सुना, आपने सुना? क्या जानते हो बेटा उनके बारे में? नाम सुना। क्या किया था उन्होंने, ये शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अभी वो सांसद भी है शायद जयपुर से, है ना? और अपने प्रेरणा स्रोत है, जो भी अच्छा अपने काम करते हैं देश के लिए, जो बड़ा काम करते हैं ना, तो उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चलिए और बताएं, और आप अब खाने वगैरह में, अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट अब हो गया या अब जाके होगा? हो गया। अरे वेरी गुड यार, क्या मिला था आज ब्रेकफास्ट में? चावल मिले थे क्या? वेरी गुड। कैसे थे, टेस्टी थे? फीके थे, मीठे थे या नमकीन थे? नमकीन। चलो ठीक है। ये थे भैया प्यारे प्यारे बच्चे जो कोई आर्मी एयरफोर्स वगैरह में जाना चाहते हैं, और बिल्कुल अनुशासनचित रहते हुए ये अपने जीवनचर्या को का पालन करते हैं। अच्छा, आप लोग कुछ एक्स्ट्रा चाहते हो क्या भाई यार, जैसे हॉस्टल लाइफ में रहते हुए भाई टीचर्स वगैरह से या पेरेंट्स से कुछ हमें एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए, ऐसी ज़रूरत पड़ती है क्या आप लोगों को? नहीं। तो तुम अपने आप में सब सारे वेल, यहाँ पे आराम से सिस्टमेटिक रूप से आराम से रह रहे हो, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है? नहीं। चलो और कोई अपने बारे में कुछ बताना चाहता हो? हैंड ऊपर कर लो, मैं बताना चाहता हूँ। जिस जो भी, हाँ हैंड्स ऊपर कर लो यार, कोई बताना चाहे तो ये माइक लेके जाएगा अमन उनके पास में। बोलो ये कुछ नहीं बोल रहा यार, ये इनसे पूछो कोई भी चीज़ जान बताना चाहते हो आप, अच्छी चीज़, पुरानी चीज़, नई चीज़ जो आप जानते हो, या बच्चों को मेहनत के लिए कुछ आप प्रेरित करना चाहते हो? छोटे बच्चों को क्या करना चाहिए बताओ? पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए ना, और मस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए मस्ती। हाँ बेटा उधर लेके जा माइक,
इतनी भी नहीं करनी चाहिए, बस थोड़ी पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, सारी चीजें, सारी चीजें करो, और अपने सीनियर से भी आप रिस्पेक्ट करो, तो आपको कोई चीज, आपको कोई चीज जानकारी चाहिए तो वो भी दे सकते हैं, हेल्प भी करते हैं, है ना। और सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अच्छा चलो, हैप्पी बोलेगा, हैप्पी बता बेटा। अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अरे वेरी गुड, नरेंद्र मोदी जी, है ना। और अभी अपने स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है? चलो कोई बात नहीं, पता है क्या किसी को? अशोक गहलोत जी। यार अपने से बड़ों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बोलना पड़ता है, देखो हमेशा ध्यान रखो, रिस्पेक्ट अपन देते हैं ना तो अपने को रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है ना। हमेशा आपको कोई लाइफ में कुछ सीखना होता है ना तो पोलाइट रहना पड़ता है और रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो और कोई चीज आप मेरे से पूछना चाहो बताओ, आप किसी को मेरे से कुछ जानकारी चाहिए? मैं जैसे डॉक्टर हूँ, कोई हेल्थ रिलेटेड और कोई समझ तुम्हें प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, है? कोई हाथ पैर में दर्द, कोई खुजली वगैरह कहीं हो जाती है ना बच्चों के इसके कहाँ किसी के कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। हाँ, क्या तकलीफ है बेटा? कहाँ पे होती है बेटा? यहाँ होती है? आपके भी है और किसके है? अच्छा दिखाओ यार, ये तो अलग चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं बताऊंगा इसकी भी आपको दवाई, है ना। और सर को नहीं बोला आपने दिखाने के लिए? बोला था, दवाई लेके आए, दवाई लेके आए हो तो माइक तो यार ये दिखाते हैं हम आपको, जो हमारे पहले बहुत ज्यादा प्रचलित है गेम था, जो हाइट के लिए, जैसे हाई जंप के लिए जो हम लोग खेला करते थे ना छोटे बच्चे थे जब, तो वो गेम हम आज आपको दिखाएंगे। प्यारे प्यारे बच्चे हैं आज आपको दिखा, हाई जंप के लिए एक गेम होता है बड़ा प्यारा सा, देखिए आप ये किसी ने खेला है क्या? ये आजकल जो ग्रुप में तो बच्चे खेलते ही नहीं है ये, देखो। अरे तो गिरा मत देना उसको इसके लिए क्या, जो घोड़ा होता है ना वो थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मजबूतली होता है ना तो वो फिर गिर भी सकता है, बड़े मस्ती आ जाए। चलो फिर धीरे धीरे, ये देखो ये देखो, अरे तेरी, ये देखो, ये स्मार्ट है बच्चा हमारा, ये साइड से निकल गया। अरे बेटा साइड से तो है बेटा, चलो चलो ठीक है ठीक है। ये था भाई एक अच्छा सा गेम हाई जंप के लिए जो हम लोग खेला करते थे छोटे, और ये देखिए ग्रुप में ही संभव है, इसलिए है डबल बिलाई, डबल बिलाई, बिलाई मतलब बिल्ली, तो डबक सिंगल खेलते हैं ना, डबक सिंगल, डबक सिंगल तो नहीं जानता यार मैं, सिंगल दिखाओ क्या होता है, अरे वो तो लंगड़ी टांग पे कैसे करते हैं, देखो करके दिखा, अच्छा 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 अच्छा, इसमें एक टांग जंप करने के बाद में एक ही टांग पे आदमी जो है उसमें मतलब लैंडिंग होती है उसकी। चलो यार ये बड़ा अच्छा सा गेम था, और जिन जिन बच्चों को ये अच्छा लगे गेम, ग्रुप बना के आप खेलो, सीखो और स्वस्थ रहो सभी बच्चों, बाय। देखिए होनहार बच्चे जिनका हमने एक शॉर्ट इंटरव्यू लिया, और ये इनका जीवन है, और ये सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने जो इनके एम्स और एम्बिशंस हैं इनको पूरा करने के लिए जो प्रयासरत रहें और इनको प्राप्त हो, ऐसी हमारी आकांक्षा है, कामना है। और सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें, हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय बाय, थैंक यू अंकल, थैंक यू, थैंक यू अंकल, ओके।